जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29, 30 पर चर्चा करेंगे। अथ चैनम नित जातम नित्यम वा मनसेतम तथापि तो महाबाहो नैनम सोचितुम मरहसे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जन्म और मृत्यु के बारे में समझा रहे हैं। यदि तुम इस आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाली और नित्य मरने वाली मानते हो, तब ये अर्जुन तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहार्य रथे न तवम सोचितुम अर्हसि। अर्थात जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। इसे बदलना किसी के हाथ में नहीं, इसलिए किसी के मरने या जन्म लेने पर शोक करना व्यर्थ है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन और मृत्यु के चक्कर से समझाते हैं और उससे ऊपर उठने का उपदेश दे रहे हैं। अव्यक्ता दोनों भूतानि व्यक्त मध्यानी भारत है व्यक्त निदानी नेव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, सभी प्राणी अदृश्य रूप से प्रारंभ होते हैं, बीच में दृश्य होते हैं और फिर से अदृश्य हो जाते हैं, ऐसे में शोक किस बात का। अर्थात जीवन में पहले जीव अदृश्य होते हैं, जन्म के बाद वे दृश्य रूप में प्रकट होते हैं और अपने जीवन को जीते हैं, जीवन के अंत में यानी मृत्यु के बाद फिर अदृश्य हो जाते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित तेन माश्चर्यवत वदति तथेव चात्यम आश्चर्यवचेन मया शृणोति श्रुत्वा पयनम वेदम न चेव कश्चित। कोई इस आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखता है, कोई इसके बारे में आश्चर्य पूर्वक बातें करता है, कोई इसे आश्चर्यजनक रूप में सुनता है, लेकिन सुनने के बाद भी कोई इसे वास्तव में समझ नहीं पाता। अर्थात आत्मा को समझना और स्वीकार करना मनुष्य के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। देहि नित्यं वदायुयं देवे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तव शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा शरीर में रहने वाले नित्य और अविनाशी है, इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर का नाश होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा का कोई नाश नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का शोक व्यर्थ है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।